प्रेस्टीज स्टेट का प्रोजेक्ट दिल्ली मेरठ हाईवे सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में लॉन्च होने वाला है। अभी फिलहाल मैं प्रेस्टीज के आने वाले प्रोजेक्ट की लोकेशन में हूँ, सिद्धार्थ विहार में, जो कि नोएडा के 63 के अपोजिट है और बैंग ऑन NE3 जो कि NH24 के नाम से जाना जाता है। मेरे बैक साइड में ये NE3 नेशनल हाईवे है जो कि दिल्ली से मेरठ की तरफ जाता है। दिल्ली से यहाँ से दूरी लगभग 10 मिनट की डिस्टेंस में होगी। बहुत सारी बातें इस प्रोजेक्ट के बारे में सिर्फ अभी अनुमान, लेकिन एक बात कंफर्म है, जब भी ये प्रोजेक्ट प्रेस्टीज रिवील करेगा तो सभी की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। मेरा ये अनुमान है कि अभी तक नोएडा और गाजियाबाद में जितने भी प्रोजेक्ट लॉन्च हुए हैं उन सबको यह प्रोजेक्ट बीट कर। इसके कुछ बेसिस मैंने एनालाइज किए हैं जो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगा। साथ में मैं इस वीडियो में इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी कवर करूंगा, जैसे कि इसका प्राइस क्या हो सकता है और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, एक इन्वेस्टर के लिए यह प्रोजेक्ट कैसा रहेगा, क्या इन्वेस्टर को क्या डायरेक्टली कंपनी से अप्रोच करना चाहिए या मेरे जैसे प्रेस्टीज द्वारा ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर से अप्रोच करना चाहिए, क्या बेहतर होगा। मैं इन सारी बातों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं ताकि आप सही समय में सही डिसीजन ले सकें। अगर आप यह सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप मेरे साथ वीडियो में लगातार बने रहें, और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि नोएडा रियल इस्टेट की हर ज़रूरी जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। किसी अच्छा प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है बड़ा लैंड पार्सल, जहां पर बिल्डर बिल्डिंग के अलावा लेक, फॉरेस्ट, जॉगिंग ट्रैक, साइकिल ट्रैक, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, प्री स्कूल एवं क्लिनिक कॉम्प्लेक्स विकसित कर सके जो हेल्थ, स्पोर्ट्स, चाइल्ड सेफ्टी और लाइफस्टाइल अपग्रेडेशन के लिए जरूरी है। प्रेस्टीज 62.5 एकड़ का प्रोजेक्ट ला रहा है जिसमें यह सब कुछ होगा और कुछ इससे भी ज़्यादा होगा। पिछले 5-7 सालों से नोएडा और गाजियाबाद रियल इस्टेट में कोई इतने बड़े लैंड में प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। कुछ प्रोजेक्ट काफ़ी पहले लॉन्च हुए थे जो बहुत बड़े लैंड पार्सल में लॉन्च हुए थे, JP और BEP के, लेकिन वह सब अप टू द मार्क नहीं थे और दुर्भाग्य से वह कभी पूरी तरह से कंप्लीट भी नहीं हो पाए। 15-20 साल बाद आज भी वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। जो 10-12 एकड़ में प्रोजेक्ट आते हैं वहाँ आइलैंड, लेक, रेन फॉरेस्ट डेवलप करना संभव नहीं है, लेकिन 62 एकड़ में बिल्कुल संभव है। 10-12 एकड़ में आजकल 1200 से 1400 फ्लैट, 30 से 35 फ्लोर्स आ रहे हैं जो कि एक एकड़ में 100 फैमिलीज का रेशियो आता है, जबकि प्रेस्टीज 62.5 एकड़ में लगभग 4000 फ्लैट्स ला रहा है जो कि पर एकड़ 75 फैमिलीज के आसपास का रेशियो आता है। प्रेस्टीज का यह प्रोजेक्ट गाजियाबाद में टॉलेस्ट टावर्स हाइट का प्रोजेक्ट होगा, इससे ग्राउंड क्लियरेंस और ज़्यादा बढ़ेगा जिससे ज़्यादा बेहतर हेल्थ, स्पोर्ट्स, इंटरटेनमेंट और चाइल्ड सेंट्रिक एमिनिटीज डेवलप हो सकेंगी। कंस्ट्रक्शन क्वालिटी बिल्डर की प्रूवन है। प्रेस्टीज ने कस्टमर के मन को बेहतरीन कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और टाइमली डिलीवरी देकर 38+ सालों से जीता है और इनके एग्जिस्टिंग कस्टमर बिना प्रमोट किए इनके प्रोजेक्ट को रेफर करते हैं। 300 से ज़्यादा प्रोजेक्ट प्रेस्टीज अब तक डिलीवर कर चुका है। प्रेस्टीज ने हाई क्वालिटी सेगमेंट में रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल, रिटेल और हॉस्पिटैलिटी प्रोजेक्ट्स डेवलप किया है। लगभग 180 मिलियन स्क्वायर फीट डिलीवर कर चुके हैं और 170 मिलियन स्क्वायर फीट अंडर कंस्ट्रक्शन है। प्रेस्टीज ने सबसे ज़्यादा प्रोजेक्ट्स बेंगलोर, हैदराबाद, मुंबई और कोचीन सिटी में बनाए हैं। इनके कुछ बड़े इंटीग्रेटेड टाउनशिप प्रोजेक्ट्स हैं जैसे द प्रेस्टीज सिटी हैदराबाद, द प्रेस्टीज सिटी मुंबई, द प्रेस्टीज सिटी बेंगलोर, ऐसा ही कुछ
दिल्ली मेरठ हाईवे सिद्धार्थ विहार गाजियाबाद में आने वाला है। बिफोर रेरा डेट प्रोजेक्ट इन्होंने हमेशा डिलीवर किया है, तो इसमें भी यही उम्मीद है। लैंड फुली पेड अप है और फाइनेंशियल प्रोफाइल बिल्डर की स्ट्रॉन्ग है। प्रेस्टीज IPO लिस्टेड कंपनी है और इनके शेयर्स की कीमत पिछले एक साल में लगभग 4 गुना हुए हैं। ये सारे फैक्टर्स प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार को अभी तक का बेस्ट रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट बनाने वाला है। इसके पहले कि मैं डिस्कस करूं कि प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार में इन्वेस्ट क्यों करें, अभी बात कर लेते हैं कि बुकिंग के लिए किसको अप्रोच करें, बिल्डर को या ब्रोकर को। प्रेस्टीज एक ईमानदार और सिस्टम ड्रिवेन कंपनी है। वह ईमानदार जितनी कस्टमर के लिए है उतनी ब्रोकर्स के लिए भी है। कंपनी वन प्राइस पॉलिसी को फॉलो करती है। चाहे आप कंपनी में डायरेक्ट जाएं या ब्रोकर के माध्यम से जाएं, एक ही प्राइस मिलेगा। डिस्काउंट का कहीं से भी और कोई भी चांस नहीं है। तो साफ है कि कंपनी में डायरेक्ट जाने का कोई भी एडिशनल बेनिफिट नहीं है। अगर आप ब्रोकर के साथ जाते हैं तो आपको क्या बेनिफिट मिलेगा? सबसे पहले आपको चेक कर लेना चाहिए कि ब्रोकर प्रेस्टीज का ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर है या नहीं। कंपनी बड़े ध्यान से ब्रोकर की प्रोफाइल को रिव्यू करती है। ब्रोकर के पास अपना UP का रेरा नंबर, GST और ऑफिशियल एड्रेस होना जरूरी है, तभी कंपनी ऑथराइज सेल्स पार्टनर ID उस ब्रोकर को इशू करती है। आप अपने ब्रोकर से सेल्स पार्टनर ID, QR कोड के साथ और रेरा नंबर जरूर लें और उसको वेरीफाई करें। अब बात करते हैं कि ऑथराइज सेल्स पार्टनर के साथ प्रेस्टीज में अपना फ्लैट बुक कराने के क्या बेनिफिट हो सकते हैं। अगर आप ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर के साथ अपना फ्लैट बुक कराते हैं तो आपको एक एडिशनल लेयर ऑफ सर्विसेज फ्री में मिल जाती है। अगर आपको उस फ्लैट को रीसेल करना है या किसी वजह से करना पड़े तो यह काम बिल्डर नहीं करेगा, यह काम ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर ही करेगा। जिस प्रॉपर्टी कंसल्टेंट से आपने साइन अप किया है वह आपके लिए ऐसे सर्विसेज के लिए वन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होगा, जिससे आपका समय बचेगा और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंटेशन, पेमेंट डिले या बायर बिल्डर के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। ऐसी कंडीशन में आप अपने ब्रोकर को अप्रोच कर सकते हैं, इससे आपका प्रोडक्टिव टाइम वेस्ट होने से बचेगा। जब आप प्री लॉन्च में बुकिंग लगाते हैं उस समय कंपनी सबसे पहले अपने ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर को अप्रोच करती है। अगर आप प्री लॉन्च में ऑथराइज सेल्स पार्टनर के थ्रू जाते हैं तो आपके अलॉटमेंट के चांस बढ़ जाते हैं। ऑथराइज सेल्स पार्टनर आपको बेस्ट फ्लैट को लोकेट करने में भी मदद करता है, जो कि कंपनी नहीं करेगी, क्योंकि कंपनी के लिए सभी फ्लैट्स अच्छे हैं। कई बार फ्लैट लेने के बाद आपको पता चलता है कि फ्लैट का डायरेक्शन ठीक नहीं है, जिसको आपको पहले अंदाजा नहीं था। एक अच्छा प्रॉपर्टी कंसल्टेंट इसमें जरूर आपकी मदद करता है। अगर आप इन्वेस्टर्स हैं और सिर्फ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको आसपास के प्रोजेक्ट और प्राइसेस की जानकारी होना जरूरी है और साथ में एक्सपेक्टेड ROI का कैलकुलेशन होना जरूरी है, जिसमें आपकी मदद एक एक्सपीरियंस कंसल्टेंट ही करेगा। लेकिन एक कंसल्टेंट को एक्सपीरियंस्ड और ईमानदार होना जरूरी है और बायर्स और इन्वेस्टर्स खुद ऐसे कंसल्टेंट को स्कैन कर लेते हैं। यह काम मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं। अब बात करते हैं प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार में इन्वेस्टमेंट क्यों करें। प्रोजेक्ट में 2 BHK से लेकर 5 BHK तक के ऑप्शंस होंगे, 3 और 4 BHK अधिक संख्या में रहेंगे। पूरे प्रोजेक्ट में लगभग 4000 फ्लैट्स होंगे और 45 से 50 फ्लोर हाइट्स के टावर होंगे। प्रोजेक्ट 3 फेज में लॉन्च होगा। अभी फेज 1 लॉन्च होगा। फेज 1 की प्राइसिंग और फेज 3 की प्राइसिंग में एक अच्छा डिफरेंस होना स्वाभाविक है। रियल इस्टेट मार्केट में देखा गया है कि एक अच्छे बिल्डर की प्रॉपर्टी हमेशा अप्रिशिएट करती है, क्योंकि उसकी डिमांड हमेशा बनी रहती है। इसलिए इन्वेस्टमेंट के लिए भी यह प्रोजेक्ट अच्छा साबित होगा। एंड यूजर इस प्रोजेक्ट में क्यों आए?
गाजियाबाद और नोएडा रियल इस्टेट मार्केट में बहुत पुराने रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट हैं जिनमें काफ़ी पुअर क्वालिटी कंस्ट्रक्शन है। बिल्डिंग और अपार्टमेंट का लेआउट सही नहीं है, डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पार्किंग का सही अरेंजमेंट नहीं है और मॉडर्न एमिनिटीज़ की कमी है। प्रोजेक्ट काफ़ी अंदर और सक्रिय भीड़ भाड़ वाली गलियों में है। ऐसे लोग अपनी लाइफस्टाइल अपग्रेड करने के लिए इस प्रोजेक्ट में फ्लैट बुक कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए भी पेशेंट सिटी सिद्धार्थ विहार अच्छा ऑप्शन रहेगा जिनका बिजनेस दिल्ली में है और डेली अप डाउन करना पड़ता है। आप दिल्ली के अधिकांश एरिया में यहाँ से एक घंटे का टाइम में पहुँच सकते हैं। आप दिल्ली के पॉल्यूशन से छुटकारा पाने के लिए, पार्किंग की समस्या से निजात पाने के लिए, गेटेड चाइल्ड केयर सेंट्रिक और बेहतर लाइफस्टाइल एंजॉय करने के लिए प्रेस्टीज सिटी सिद्धार्थ विहार में 3-5 BHK फ्लैट बुक करा सकते हैं। अब प्राइस की बात करें, 2 से 5.5 CR के बीच 3-5 BHK का प्राइस रेंज होने की उम्मीद, लेकिन अभी तक बिल्डर ने कोई भी प्राइस रिवील नहीं किया, लेकिन प्राइस थोड़ा हायर साइड ही रहेंगे। बुकिंग प्रोसेस की बात करते हैं, प्रेस्टीज सबसे पहले एक निश्चित अमाउंट का चेक EOI के लिए लेता है, यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। आपको एक प्रायोरिटी नंबर इशू होता है और इस प्रायोरिटी के बेसिस में आपको फ्लैट का अलॉटमेंट मिलता है। तो दोस्तों, यहां पर सबसे पहले आपको EOI का प्रोसेस फॉलो करना होगा, जिसमें मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और प्रेस्टीज का ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर हूं। मेरा डायरेक्ट नंबर है 7838-6968-17। इस प्रोजेक्ट में EOI देने के लिए और इस प्रोजेक्ट के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नोएडा रीजन रियल इस्टेट मार्केट की हर जरूरी खबर सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक यू।